हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दांडी। दोस्तों, दांडी गुजरात राज्य के नवसारी जिले में आया हुआ है। और दोस्तों, ये दांडी वही ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था, यानी कि दांडी मार्च, यानी कि दांडी यात्रा की थी। दोस्तों, वहाँ पे महात्मा दांडी म्यूजियम बनाया गया है, तो आज हम लोग वहाँ पे म्यूजियम में जाने वाले हैं और म्यूजियम को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दांडी सूरत सिटी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और अहमदाबाद से 380 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पहले दांडी और आपको दिखाते हैं कि म्यूजियम कैसा है। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग दांडी स्मारक पहुंच गए हैं। तो हमने अभी हमारी टू व्हील पार्क की है, जिसका टू व्हील का पार्किंग का चार्जेस हमने 10 रुपया पे किया है। और यहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं तो उनकी एंट्री फीस के लिए 10 रुपया टिकट है और बड़े लोगों के लिए एंट्री फीस 20 रुपया है। तो हमने टोटल 40 रुपये पे किए हैं। तो अब हम लोग जाते हैं दांडी स्मारक के अंदर, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये प्रवासी सुविधा केंद्र दिखाते हैं, जिसमें दांडी सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं दांडी म्यूजियम में। दोस्तों, म्यूजियम में सुबह 11 बजे से शाम को 6:30 बजे तक एंट्री मिलती है और म्यूजियम मंगलवार को बंद रहता है। तो दोस्तों, हम अभी दांडी स्मारक में एंटर हो चुके हैं। जैसे ही हम दांडी स्मारक में गेट से एंटर होते हैं तो हमें अपनी टिकट वॉचमैन अंकल को दिखानी होती है। और जैसे ही गेट से थोड़ा ही आगे आते हैं तो हमें यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 30 जनवरी 2019 के दिन, बुधवार के दिन, ये दांडी स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, म्यूजियम में प्रवेश करते ही परिचय कक्ष है, जहां पे दांडी यात्रा के बारे में हमें वीडियो दिखाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा दांडी यात्रा का सफर। तो दोस्तों, ये जो हमारे पीछे आप म्यूरल्स देख रहे हो, ऐसे यहाँ पे टोटल 24 म्यूरल्स बनाए गए हैं। जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी तक कूच किए थे, जो दांडी यात्रा की थी, उस दौरान टोटल 24 दिन लगे थे यहाँ नवसारी दांडी तक पहुँचने के लिए। और इन दौरान जो जो घटनाएँ हुई थी वो सारी इन म्यूरल्स पर दर्शाई गई है। तो और ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में, तो आप यहाँ पर आइए और इसे देखिए। दोस्तों, ये सारे म्यूरल्स हैं जो आपको इस तरह देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो स्टैच्यू आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये सभी वही 80 जन के स्टैच्यू हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में जुड़े हुए थे। और ये स्टैच्यू हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे वो दिखते थे, और जितनी उनकी हाइट थी हूबहू वैसे ही स्टैच्यू बनाए गए हैं। और ये नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक और बात, और ये जो स्टैच्यू बनाए गए हैं, उनके पैर के नीचे जिन्होंने इनका स्टैच्यू बनाया हुआ है उनका नाम मेंशन किया गया है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनका स्टैच्यू किन्होंने बनाया है, किन कलाकार ने बनाए हैं। तो दोस्तों, ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
तो दोस्तों जो दांडी मार्च हुई थी उनका नेतृत्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो वो सबसे आगे चल रहे थे। और जब ये दांडी यात्रा हुई थी तब मार्च का महीना था और काफ़ी धूप पड़ रही थी, उसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने अपने सर पे कपड़ा रखा था। तो कलाकार ने हूबहू वैसी ही मूर्ति यहाँ पे बनाई है। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हो गांधी जी की, वो उनकी ओरिजिनल जो हाइट थी उसके हिसाब से ओरिजिनल ही बनाई है। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तो चल दोस्तों 1930 में जो दांडी यात्रा हुई थी और महात्मा गांधी जी के साथ जो 80 जन अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो दांडी यात्रा में जुड़े हुए थे, वो सभी 80 जनों के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और उनमें से सबसे छोटी उम्र के विठल भाई थे जो गुजरात के हैं, उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। दोस्तों यहाँ पे 40 सोलर ट्री यानी कि वृक्ष के आकार में सोलर पैनल लगाई गई हैं, जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके विद्युत पैदा करती हैं। दोस्तों यहाँ पे दांडी कूच के प्रतीक रूप म्यूजियम के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल लेक यानी कि कृत्रिम तालाब बनाया गया है, जो हमें दांडी यात्रा के ऐतिहासिक दिन की याद दिलाता है। दोस्तों यहाँ पे 5 मीटर की गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके ऊपर स्टील का 40 मीटर ऊंचा फ्रेम बनाया गया है, जिसके ऊपर 2.5 टन के वजन का क्रिस्टल यानी कि ग्लास रखा गया है, जो नमक के कण को प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों हमारे पीछे ये सॉल्ट वाटर के नल लगाए गए हैं, जहाँ से खारा पानी आता है और इस खारे पानी में से यहाँ पे नमक बनाते हैं, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नमक किस तरह बनता है, उसकी थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हमारे साथ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है, नमक यहाँ पे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जैसे कि इसके नीचे सगड़ी या हीटर रखा गया है और ऊपर खारा पानी रखा गया है। तो जैसे जैसे सगड़ी और हीटर से वो पानी गर्म होता है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है और जो बचता है वो नमक बच जाता है इसमें। और इस प्रोसेस में तकरीबन 20 या 25 मिनट का टाइमिंग लगता है यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा सैंपल बताया है यहाँ पे के नमक कैसे बनता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों ये प्रदर्शन कक्ष है, जहां पे दांडी यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें रखी गई हैं। दोस्तों यहां पे दांडी यात्रा का छोटा सा शिल्प सुई के अंदर बनाया गया है, वही दिखाया गया है। दांडी यात्रा से निकलते ही सेफी विला आता है, जहां पे गांधी जी और उनके साथीगण 6 मार्च के ऐतिहासिक दिन के अगले दिन यानी कि 5 मार्च 1930 को रुके थे। यहां पर भी दांडी यात्रा के पोस्टर लगाए गए हैं।
दोस्तों अब हम जा रहे हैं कराड़ी गांव। तो दोस्तों हम लोग अभी कराड़ी गांव में आए हुए हैं। दोस्तों ये कराड़ी गांव में गांधी स्मृति मंदिर है, जहां पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, उसके बाद यहां पे कराड़ी गांव में गांधी स्मृति मंदिर में रहते थे। यही ये वही गांव है जहां से उनकी धरपकड़ अंग्रेजों द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जब महात्मा गांधी जी की धरपकड़ हुई तब वो यहीं पे कराड़ी गांव में गांधी स्मृति मंदिर में रहते थे, और यहीं से उनको मतलब गिरफ्तार किया गया और पुणे की यरवाड़ा जेल में ले गए थे। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं गांधी स्मृति मंदिर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी की कुटिया थी जहाँ पर वो रहते थे, परंतु अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे कुटिया वापस बनाने वाले हैं, जो पहली वाली थी वो टूट गई थी। तो दोस्तों दांडी यात्रा का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों कमेंट सेक्शन आप ही का है, तो जो भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।